कृषि विज्ञान केंद्र कटनी के वैज्ञानिकों का मानना है कि सर्दी के मौसम में तेज हवाओं और शीतलहर, जहां तापमान न्यूनतम 4 से 5 डिग्री पर आम जन को ठिठुरने और हाड़ कपाने वाली ठंड के साथ घना कोहरा जो धुंध बिखेरता हुआ जिससे यातायात तक प्रभावित होता है, विजिबिलिटी 300 से 400 तक हो जाती है और कोहरे से सुबह तक घना कोहरे ने सड़कों को सूना किया है, तो फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में परेड के रिहर्सल करते स्कूली बच्चों और पुलिस के प्लाटू तक देखने में धुंधला सा नजर आता है। मौसम वैज्ञानिक संदीप चंद्रवंशी ने मौसम के बारे में बताया कि आगामी दिनों में तापमान सामान्य रहने की बात कही। ये राजस्थान के ऊपर एक समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके कारण जो है हमारे यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और ये आगे जो है 24 तारीख तक अभी बादल छाए रहेंगे, ऐसी संभावना बनी हुई है। इस तरह जो मौसम बारिश की गर्त, क्या संभावना बारिश की भी हो सकती है? नहीं, बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, बादल रहेंगे और अभी जो है दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देखिए, इस समय जो मौसम चल रहा है, तो यदि लंबे समय तक बारिश हो जाती है और लंबे समय तक अगर सूरज नहीं निकलता है, बादल रहेंगे, तो हमारी जो दलहनी फसलें हैं उन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, उनके उत्पादन पर असर पड़ेगा, क्योंकि यदि फूल की स्थिति में है और ज़्यादा ज़्यादा तापमान बहुत नीचे चला जाता है तो वो असर होगा, और बारिश हो जाने की वजह से नमी बढ़ जाएगी मृदा में, जिससे फंगस विकसित हो जाएंगे, तो उग्र होने, विल्ट होने की संभावना है। इस तरीके से हमारी दलहनी फसलों को नुकसान होगा।